states of matter, lecture number 10. In today's lecture, students, we'll study about kinetic energy and molecular speeds. Okay, chalo. Let us start. So, okay, let me give you a little bit of briefing. Kis mein hum actually padhne kya wale hain? For that, we need to consider a container. Okay, this is a container, and in this we have various gas molecules. Yes, chalo. Ab ye jo gas molecules hain, inki kuch alag-alag speed hogi since they are in random motion. Gas molecules can move constantly, right? So, if I say that this particular molecule ki speed V1 hai, iski V2 hai, iski V3 hai, iski V4 hai, and this molecule ki Vn hai, like that it goes, theek hai? So, ऐसा माना जाता है कि अगर एक बीकर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं या एक कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि सबकी स्पीड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, सभी की स्पीड्स डिफरेंट होती हैं. तो ये जो स्पीड्स हैं इनको हमने डिफाइन किया है या डिवाइड किया है तीन टाइप्स ऑफ स्पीड्स में बेसिकली, ठीक है, मेजरली तीन टाइप्स ऑफ स्पीड्स हैं. और ये स्पीड्स क्या क्या हैं? नंबर वन, वील बी स्टडिंग द वी RMS. Number two, we'll be studying the V average. And number three, we'll be studying the V most probable. Okay, सारे terms का मतलब समझेंगे. चलो, VRMS क्या है? It is the root mean square speed. Clear है इतना? Yes. V average क्या है? Average speed of these gas molecules. And VMP is the most probable speed. ठीक है? Yes. तो ये तीन speeds हम देखते हैं. Briefing हो गई. चलो, पढ़ते हैं क्या लिखा है. See, molecules of gas remain in continuous motion, obviously. Yes, while moving, they collide with each other and with the walls of the container. है ना, collision होता है, gas molecules हैं आपस में आकर collide कर रहे हैं, इनमें energy exchange होगा, okay? And what will happen? इनकी energy बदल जाएगी, जो पहले थी वो नहीं रहेगी, और फिर वापस से ये दूर हो जाएंगे, जाकर walls of the container में collide होंगे, and the process goes on, okay? This results in the change of their speeds, obviously, and redistribution of energy. एक की energy दूसरे में transfer हो जाती है, दूसरे की तीसरे में, like that. ठीक है, upon collision क्या होता है? So the speed and energy of all the molecules of the gas at any instant are not same. अब same नहीं है, तो कैसी है? Mainly तीन तरह की होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया. Okay, चलो, अब एक चीज देख लेते हैं. एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम गैस मॉलिक्यूल्स तो कंसिडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन सब की स्पीड अलग अलग है, कोलिजन करने पर इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, है ना. तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इसका एग्जांपल समझते हैं. ओके, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है, हम सबने देखा है. मान लो एक स्टेशनरी साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है, आप मान ले एक स्टेशनरी सी साइकिल खड़ी हुई है. This is the road. यहाँ पर road के corner में एक stationary cycle खड़ी हुई है. कोई motion नहीं है अभी इसका, ठीक है. फिर यहाँ से एक moving गाड़ी आती है बहुत तेज और इसमें टक्कर मार देती है, ठीक है, बहुत तेज आती है और इसमें टक्कर मार देती है. तो what happens? इसकी energy तो अभी zero थी ना, kinetic energy zero थी. Yes, लेकिन because इस particular गाड़ी के आने से ये टक्कर खाकर कहीं आगे बढ़ जाती है. Yes. तो ये आगे बढ़ी कैसे? Tell me, इसमें तो kinetic energy zero थी ना initially, potential energy maximum थी, ke zero थी. तो for a body to be in motion, kinetic energy का कुछ ना कुछ magnitude होना चाहिए. तो वो energy इसको मिली कहाँ से? Because of this collision. Getting my point? Because of this collision, cycle got that energy and it moved from its place. It got displaced from its place. Getting the point? तो energy का distribution हुआ ना? Yes. फिर अब ये ऐसा तो है नहीं कि आगे बढ़ती चली जाएगी कार, ये भी slow down हुई.
ऑब्वियसली ही विल अप्लाई सम ब्रेक्स एंड स्टिल उतना मैग्नीट्यूड नहीं रीच हो पाएगा कि बिल्कुल यहां का स्टॉप ही हो जाए. उसने तो कोलाइड कर लिया, टक्कर मार दी, है ना. तो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हुआ. तो ऐसी मॉलिक्यूल्स में भी होता है, एक मॉलिक्यूल इसको टक्कर देकर इसको एनर्जी दे देता है, फिर ये जाकर इस मॉलिक्यूल में टक्कर देता है, फिर ये एनर्जी, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. चलो, सो दिस इज हाउ वी हैव द थ्री स्पीड्स, दैट इज एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, चलो इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं. लेट अस चेक आउट द फॉर्मूला फॉर VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, देन V एवरेज एंड फाइनली द V मोस्ट प्रोबेबल. ओके, यस, चलो फॉर दिस. अच्छा, हमने क्या देखा था यहां पर कि दिस इज द कंटेनर एंड इनकी स्पीड्स क्या है, V1, V2, लाइक दैट ना, V3. रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हैं, हम इनके स्पीड्स का स्क्वायर कर देते हैं एंड देन फिर मीन ले लेते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. तो आई कैन राइट इट एज V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, अपॉन एन, दैट इज मीन. तो ऐसे ही लेते हैं जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो डिराइव करने के बाद स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला क्या मिलता है, इट इज रूट ऑफ 3RT अपॉन एम. ओके ओके, चलो कमिंग टू द वी एवरेज में क्या करते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, VN अपॉन एन. इसमें अब हमें स्क्वायर भी नहीं करना है एंड इनका रूट भी नहीं लेना है. गेटिंग, तो व्हाट विल वी गेट एज द वी एवरेज, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट इट एज अंडर रूट ऑफ 8RT अपॉन पाई एम. ठीक है, इस एम इज कैपिटल एम, यस. चलो नेक्स्ट है वी मोस्ट प्रोबेबल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन, वी हैव रूट ऑफ 2RT अपॉन एम. ठीक है, अच्छा ऐसा आया कहां से ये, लेट अस चेक आउट. देखो एक फॉर्मूला होता है, PV इज इक्वल टू 1/3 mv² एंड दिस V इज द RMS स्पीड. ठीक है, अब आप खुद समझे कि इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस VRMS तो व्हाट कैन आई डू, ये सारे टर्म्स को यहां ले जाए तो व्हाट विल बी, व्हाट आर वी गेटिंग, वी विल गेट 3PV yes upon m, this m is equal to VRMS and square hai na, square hatayenge to yahan kya aa jayega, root. So this is the formula that we get. Ab PV aap bologe ki yahan to RT hai ma'am, to students PV is equal to RT to humne padha hai na, PV is equal to nRT and for one mole of a gas, when we are taking this gas equal to one mole, तो n कितना हो जाएगा हमारा, n विल बी 1, तो 1 इट विल बी 1 ना, तो PV इज इक्वल टू RT का फॉर्म ले लेगा हमारा इक्वेशन. यस, नाउ PV की जगह हम RT रख देंगे तो क्या फॉर्मूला हो गया, 3RT अपॉन m इज इक्वल टू VRMS. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर स्पीड्स. ठीक है, चलो अब एग्जाम में पूछा जाता है ये ऑर्डर, तो ऑर्डर याद कर लेंगे, VRMS सबसे ज्यादा, उसके बाद V एवरेज का मैग्नीट्यूड एंड देन V मोस्ट प्रोबेबल का मैग्नीट्यूड. इन सम केसेस दे आस्क द रेशियो, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रेशियो और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेशियो. ठीक है, चलो एक चीज और समझ लेते हैं हम यहां पर, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है. क्वेश्चन पैटर्न देखो, चलो VRMS का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, 3RT अपॉन m, यही था ना, रूट ऑफ 3RT अपॉन m इज इक्वल टू VRMS. क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जामिनर आपको क्या दे देगा, अब देखो यहां पर देख लो, अच्छा 3 तो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, यस,
तो बचा क्या? टेम्परेचर एंड मास. यस. एक चीज और स्टूडेंट्स, एक चीज और आई वॉन्ट टू एड कि यहां पर ये जो वेलोसिटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं गैस मॉलिक्यूल्स की, ये हम फिक्स टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं. मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड है, उसके बाद वी आर स्टडिंग दीज पैरामीटर्स, दैट इज द डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक है, चलो. एग्जामिनर क्या करता है कि ही विल से दैट एट सर्टन डिग्रीज टेम्परेचर, ठीक है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मास ऑफ SO2 इज इतना ग्राम्स. ठीक है, फिर वो आपको बोल देगा एट व्हाट टेम्परेचर मास ऑफ O2 विल बी सम मैग्नीट्यूड, ही विल गिव इट टू यू. ठीक है, मतलब कि मास गिवन है दोनों क्वांटिटीज के लिए, दोनों ही स्पीशीज के लिए मास गिवन है. एक के लिए टेम्परेचर दे दिया है, एक का टेम्परेचर फाइंड करना है. यस, तो यहां से कैन आई डिराइव द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ टी बाय एम. सिर्फ इतना क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि थ्री तो कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, दोनों में ही सेम है. यस, जो वेरी कर रहा है वो है टेम्परेचर, एंड सिंस दो अलग स्पीशीज है तो मास भी डिफरेंट होगा. तो टी बाय एम इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय एम, ऐसा करके लिख ले. फिर यहां पर वैल्यूज पुट कर देना, टेम्परेचर ऑफ SO2, मास ऑफ SO2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, जो भी गिवन मासेस हैं. ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपको गिवन है, ये क्वांटिटी आपको गिवन है, ये क्वांटिटी आपको गिवन है, क्या आप ये नहीं निकाल सकते? बताओ मुझे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा. यस, सो दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न. ओके, चलो, आई होप इतना क्लियर है सबको. ग्राफ देख लेते हैं, लेट मी फर्स्ट हाईलाइट इट. दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द स्पीड्स. ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर दीज, दीज आर द स्पीड्स जो अभी हमने पढ़ी, कौन सी, वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल. चलो, this is V average, this is V RMS, and what is this, VMP, red wali is VMP, green wali V RMS, and from blue I am highlighting the V average. Okay, chalo, so what is the graph obtained, like this. इससे इन्फर क्या कर रहे हैं, देखो, वी मोस्ट प्रोबेबल को ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा है. यस, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन, ज्यादा से एज इन क्या मतलब है कि वी मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या मोस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट दिस एनर्जी और वी कैन से दिस वेलोसिटी. ठीक है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी. ओके, चलो, आई होप मॉलिक्यूलर स्पीड्स आपको क्लियर है. नाउ मूविंग टू द अजम्पशंस ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. इसमें एक चीज जो हमें मानकर चलना है वो ये है कि ऑल ऑफ दीज अजम्पशंस आर एक्सक्लूसिवली फॉर एन आइडियल गैस. ठीक है, they are exclusively for an ideal gas. Now, चलो, कुछ नहीं है, read करते चलेंगे, समझते चलेंगे. ठीक है, चलो. First one is, gases consist of large number of identical particles that are atoms and molecules that are so small and so far apart on the average that the actual volume of molecules is negligible in comparison to the empty space between them. And what is this explaining? The great compressibility of gases. देखो क्या बोला जा रहा है. See,
दिस इज अ कंटेनर, इसमें वी हैव द गैस मॉलिक्यूल्स. यस, अब देखो इनके बीच में स्पेस कितना ज्यादा है, तो क्या हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इनका स्पेस कम नहीं कर सकते, इनका स्पेस कट ऑफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं ना. तो व्हाट हैपेंस कि ये मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास आ जाते हैं. तो ये फैक्टर क्या एक्सप्लेन कर रहा है? द कंप्रेसिबिलिटी, ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस. आप किसी चीज को तभी कंप्रेस कर पाएंगे जब उसके बीच में स्पेस होगा. सॉलिड्स को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक स्पेसेस है ही नहीं. यस, सो व्हाट डज दिस एक्सप्लेन? कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यस, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस. मतलब आप समझ लें, ये बोर्ड जो है पूरा ये एम्प्टी स्पेस है एंड ये एक गैस मॉलिक्यूल है सिर्फ. फिर इतना ही स्पेस आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, फिर उनमें एक एक गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो इन कंपैरिजन विद द स्पेस, ये मॉलिक्यूल का साइज या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल ना. यस, तो स्पेस कितना ज्यादा है? यस, दिस इज व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग. गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल्स होते हैं दैट आर सो स्मॉल एंड फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दिस होल स्पेस. ठीक है, बिटवीन देम दे आर कंसिडर्ड एज पॉइंट मासेस कंसिडर करते हैं उनको. ठीक है, दिस असम्पशन एक्सप्लेन्स द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस. चलो मूविंग ऑन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर क्यों बोला है? क्योंकि अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर है तो गैस मॉलिक्यूल्स अपनी अपनी जगह है, मतलब कि इतनी सारी वॉल्यूम में सिर्फ पॉइंट मासेस प्रेजेंट है, पॉइंट गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है छोटे छोटे से, दैट टू बहुत ज्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन में. मतलब कि इतना बड़ा स्पेस एंड जस्ट ये इतना गैस मॉलिक्यूल, फिर इतना ही बड़ा स्पेस उधर होगा, इतना ही बड़ा स्पेस नीचे होगा एंड देन एक गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा. तो सिंस अब ये इतनी दूर दूर हैं एक दूसरे से, चलो मैं यहां बना देती हूं. मान लो ये पूरा बोर्ड जो है, होल ऑफ दिस बोर्ड इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंटेनर. तो एक गैस मॉलिक्यूल यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि सिंस इतना ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में, वैसे भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, तभी तो दिस स्टेट एग्जिस्ट एज अ गैस. यस, सिंस इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ये इतने लार्जर डिस्टेंस पर है, है ना. तो व्हाट कैन वी से कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है. ठीक है, लेकिन अब जैसे प्रेशर बढ़ाया, एक बात कर ली हमने ऑर्डिनरी कंडीशन की, अब एक बात कर रहे हैं अप्लाइड कंडीशन की. अप्लाइड कंडीशन क्या है? कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा. प्रेशर अब बढ़ाओगे तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कट ऑफ हो जाएगा ना. अब स्पेस कट ऑफ हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, दीज मॉलिक्यूल्स विल कम सो क्लोज टू ईच अदर, दे विल बी लाइक दिस, दे विल बी सो क्लोज टू ईच अदर, नॉट दिस क्लोज बट एटलीस्ट लाइक दिस ना. ये स्टेट अज्यूम कर लेंगे ये वाले मॉलिक्यूल्स. यस, नहीं होगा क्या ऐसा? बिग ऑन अप्लाइंग प्रेशर. ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होता है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेट करने लगते हैं. अब पास आ गए ना, पहले दूर थे तो हम कह रहे थे कि ठीक है कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, लेकिन अब तो पास आ गए, अब तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? यस, तो दिस इज व्हाट इज सेड, कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. The support for this assumption comes from the fact that gases expand and occupy all the space available to them. अब सही बात है, उनके बीच में अगर intermolecular force of attraction होता तो वो obviously एक दूसरे को attract करते and जितना भी space provided है वो occupy नहीं करते, वो एक जगह condense हो जाते है कि नहीं, बताएं मुझे. तो this is what this assumption is all about. अच्छा, ये सारे assumptions ideal gas के लिए मैंने आपको पहले ही clear किया. दूसरी चीज हम जो बोलेंगे कि for a gas to be ideal, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो assumptions हमने अभी पढ़े, बस ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला ये कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे हैं एंड फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ हो ही ना, ऐसा नहीं. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होना चाहिए. दूसरी चीज स्टूडेंट्स, दूसरी चीज ये बोली जा रही है कि ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
बाय गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स गैसियस स्पीशीज में लिख देती हूं इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू स्पेस. मतलब इतने पूरे स्पेस में जो वॉल्यूम एक पॉइंट गैसियस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है वो नेग्लिजिबल है. एंड ये किसके केस में ट्रू होता है? सिर्फ आइडियल गैसेस के केस में ट्रू होता है. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन. पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन. जब हम VRMS पढ़ रहे थे, VMP पढ़ रहे थे, वी एवरेज पढ़ रहे थे, तब हमने ये चीज क्लियर की थी. इफ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स्ड पोजीशंस देन अ गैस वुड हैव अ फिक्स्ड शेप व्हिच इज नॉट ऑब्जर्व. मतलब यही बोलते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंट मोशन में होते हैं, अनलाइक सॉलिड स्पीशीज जो कि रेस्ट पर होती हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, मूव करते रहते हैं. ठीक है, देयरफॉर व्हेनेवर वी स्प्रे deodorant in one corner of the room, because the gas molecules are constantly in random motion, they can flow, they can move from one place to another. तो हमें next corner of the room में भी थोड़े time बाद उसकी fragrance आने लगती है. Yes, that happens, right? चलो let us move on now. Particles of gas move in all possible directions in straight lines during the random motion. They collide with each other and with the walls of the container. Yes, pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particles with the walls of the container. अब gas exerts pressure कैसे? Gas भी तो pressure exert कर सकती है. How? Upon collision, what happens? देखो, अगर collision हो रहा है, टकरा रहे हैं, ठीक है, तो energy का redistribution हुआ. इसने इसको energy दी, ये भग के गया and यहाँ पर वॉल्स पर टकरा गया. तो ये जो टकराया है, अब हम किसी चीज से टकराते हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? ऑब्वियसली उस चीज पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया. हम किसी फोर्स से ही जाकर तो टकरा रहे हैं किसी पर यूनिट एरिया पर. यस, हम किसी फोर्स से जाकर टकरा रहे हैं किसी पर यूनिट एरिया पर. तो मॉलिक्यूल भी तो किसी फोर्स से ही जाकर टकरा रहे हैं किसी पर यूनिट एरिया पर. यस, से दिस इज 1 cm² यूनिट एरिया. तो व्हाट इज सेड? कि प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन. तो प्रेशर तो एक्सर्ट कर रहे हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? कोलिजन. दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं. व्हाट इज हैपनिंग? एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. एक मॉलिक्यूल दूसरे गैसियस मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी दे रहा है. फिर इसके पास एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब ये भगा एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर में जाकर टकरा गया. यस, फिर क्या हुआ? अब वॉल्स को इसने किससे हिट किया? विद सम फोर्स, है ना, एंड सम यूनिट एरिया. ऑन सम यूनिट एरिया, एक थोड़े से एरिया पर ही तो वो फोर्स से जाकर टकराएगा. यस, तो व्हाट इज सेट? की फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो गैस एक्सर्ट्स प्रेशर. इजी इनफ. चलो लेट अस मूव ऑन. Collisions of the gas molecules are perfectly elastic. ये जो collisions होते हैं ना, perfectly elastic होते हैं. This means total energy of the molecules before and after the collision remains same. There may be exchange of energy between colliding molecules. Exchange हो सकता है. अब confused नहीं होना. आप बोलोगे कि मैम इस molecule ने तो इसको energy दे दी थी, फिर वो भगकर wall पे टकरा गया था. क्या बोला जा रहा है? कि total energy of the molecules before and after the collision remains same. There may be exchange of energy between the colliding molecules. Their individual energies may change, but the sum of their energies remain constant. ठीक है? Okay? If there were a loss of kinetic energy, motion of molecules will stop and the gases will settle down. पर क्या ऐसा होता है? कभी देखा है किसी oxygen molecule को वो settle down कर रहा है? नहीं, obviously नहीं. ठीक है? क्योंकि अगर कभी भी gaseous molecule की kinetic energy zero हो ही नहीं सकती. ठीक है? Because this is what is the fact ki they are constantly in the random motion. This is contrary to what is actually observed. ठीक है? कि वो कभी settle down होते ही नहीं है. चलो clear है इतना? At any particular time, next point is, at any particular time, different particles in the gas have different speeds and hence different kinetic energies. This assumption is reasonable because as the particles collide, we expect their speed change. जाहिर सी बात है, जैसे I explained to you, कोई भी दो चीजें टकराती हैं तो हम उनकी स्पीड में चेंज एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत तेजी से आ रहा है, इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे टकराएगा तो ऑब्वियसली ये मूव करने लगेगी. तो इसकी स्पीड चेंज हुई ना, पहले जीरो थी, अब कुछ हो गई. यस,
तो इवन इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स वॉज सेम द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स विल डिस्टर्ब दिस यूनिफॉर्मिटी. Consequently, the particles must have different speeds. So we studied those different speeds which go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds are changing, the distribution of speeds remain constant at a particular temperature. Fixed temperature ki baat ki thi. Jab hum VRMS, VMP, V average padh rahe the, to fixed temperature ki baat ki thi na. So constant temperature par what happens is it is possible to show that individual speeds to change ho sakti hai, lekin ye distribution of speeds jo hai, it remains constant. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द मोशन और स्पीड. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. हम ये नहीं बोल सकते सिंगल इंडिविजुअली किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं कर सकते. वी विल टॉक अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ओके चलो. In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to the absolute temperature. Average kinetic energy of the gas molecules is directly proportional to absolute temperature. Yes. Okay, students. So what is said? Ki in kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Let us check out how. It is seen that on heating a gas at constant volume, pressure increases. On heating the gas, kinetic energy of the particles increases and these strike the walls of the container more frequently. ठीक है, देखो, पहले समझते हैं कि kinetic energy temperature से कैसे related है. Yes, we have studied E is equal to half mv square. Yes, पढ़ा है हमने ये? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताओ मुझे. Now, can I write this V as 3RT upon m? कहां से आया मुझे बता दो. Can I write this V as 3RT upon m? बताओ मुझे. This is half m as it is in V square. VRMS कितना पढ़ा था? Root of 3RT upon m, यही पढ़ा था है ना. अब इसको अगर square कर देंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा. अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल, तो वी स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा? 3RT अपॉन m. क्लियर है? ठीक है. अब ये m से m कैंसिल. ओके, तो व्हाट डू वी गेट? हाफ ऑफ 3RT. दिस इज व्हाट वी गॉट, राइट? चलो अब एक चीज समझेंगे ध्यान से. इफ वी आर कंसिडरिंग Avogadro's number of these gaseous atoms. If we are considering Avogadro's number of these gaseous atoms, so क्या होगा यहां पर? Na introduce हो जाएगा. ठीक है, तो this is the kinetic energy, half 3RT upon Na. इसको और comprehensive form में कैसे लिख सकते हैं? 3 by 2 RT upon Na. ठीक है, अब एक चीज समझो कि this term is equal to Boltzmann constant, that is given by K. तो equation किसका form ले लेता है? 3 by 2 K T. Yes? तो kinetic energy comes as 3 by 2 K T. Okay? अब यहां से kinetic energy और temperature का relation देखो. Kinetic energy is directly proportional to temperature. Direct है ना, direct relation है. नीचे upon में होता तो inverse relation होता. Yes, तो kinetic energy is directly proportional to temperature. Therefore, upon increasing the temperature, kinetic energy of the molecules also increases. समझ आया? चलो, so this is what is written, कि it is seen that on heating a gas, gas को heat कर रहे हो मतलब temperature बढ़ा रहे हो, the pressure increases. On heating the gas, kinetic energy of the particles increase. क्यों? अभी हमने relation देखा, kinetic energy is directly proportional to temperature. हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं. यस, एंड दिस अब्सेंस, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. अब सिंस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो व्हाट विल हैपन? दे विल स्ट्राइक द गैस कंटेनर विथ अ हायर स्पीड एंड वी कैन से मोर फ्रीक्वेंटली. और ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि ज्यादा तेजी से जाकर के कंटेनर को हिट करेंगे. यस, चलो क्लियर है इतना? यस स्टूडेंट्स, इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, सो दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस
बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. एंड जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जितने भी पोस्टुलेट्स हैं इनको थोड़ा सा इमेजिन करके आप बस रीड करते जाना कॉन्स्टेंटली. यू विल गेट इट ईजिली. आपको समझ आने वाला है. इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. ओके चलो हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू. बाय.